क्यों खरीदनी है काजू कतली बाजार से, जबकि हम खुद बना सकते हैं इसे घर में बहुत ही आसानी से। मेरी तो फेवरेट है काजू कतली, और मुझे यकीन है आपको भी ये बहुत ही आसान लगेगी और बहुत ही अच्छी। नमस्कार, मैं शेफ रवि, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स तो हमें चाहिए नहीं इसमें, तो जैसे मैं डालूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाला है 250 ग्राम शुगर, और गैस का फ्लेम मैंने रखा है एकदम स्लो पे। अब आपको वेट करना है कि धीरे धीरे शुगर मेल्ट होती जाए, मगर इसे हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी शुगर एकदम कैरेमल बन जाएगा और वो जल जाएगा। हमें ब्राउन कलर भी नहीं चाहिए शुगर का, इसलिए हमें लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसे गलाते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, और अगर आपको लगे कि शुगर में कलर आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, ताकि वो कलर नहीं आएगा और आपकी कढ़ाई का टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहेगा, जो टेम्परेचर आपको चाहिए। अब बस इसे चलाते जाइए जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, और जहां आपको लगे कि फिर से टेम्परेचर हाई हो रहा है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए इसमें। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और अगर आप इलायची पाउडर इसमें डालना चाहते हैं वो भी इसमें डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। अब जब तक चाशनी बन रही है, जब तक हम काजू को पीस लेते हैं। मैंने लिया है 1/2 किलो काजू, और चाशनी के लिए लिया था 250 ग्राम शुगर। पीसने के बाद काजू पाउडर फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा, इसे बॉइल मत कीजिएगा नहीं तो इसका पेस्ट बन जाएगा। चाशनी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसे थोड़ा और थिक करेंगे और बनाएंगे एक तार की। आप यहाँ देख सकते हैं काजू पाउडर के अंदर बड़े बड़े लम्स आ रहे हैं, वो लम्स इसलिए आते हैं कि कोई भी ड्राई फ्रूट हो उसमें ऑयल होता है, और जब हम उस ड्राई फ्रूट को पीसते हैं तो वो ऑयल बाहर निकालता है और लम्स बना देता है। आपको बस इसे एक बॉल में निकाल देना है, और जितना हो सके, 100% तो नहीं निकाल सकते लेकिन जितना हो सके इसके लम्स हटा देने हैं। अब इस स्टेज पे आके आपको इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। हमने जो काजू का पाउडर किया था बस आपको इस उबलती हुई चाशनी में डाल देना है, फिर आपको इसे लगातार चलाते रहना है। आपने देखा होगा मैंने लम्स हटाए थे, फिर भी इसमें कुछ लम्स रह गए हैं। बस इसे चलाते चलाते अपने लैडल से या पलटे से इसे हटाते जाइए। आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और आपकी काजू कतली एकदम परफेक्ट बनेगी। नंबर एक, आपको गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखना है, और नंबर दो, इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो काजू बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और जलावा फ्लेवर बहुत ही गंदा आएगा। इसलिए हलवाई शेफ की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, उसका परफेक्शन और उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आप डाल दीजिए थोड़ी दरदरी इलायची पाउडर, एकदम पाउडर नहीं चाहिए, दरदरा इलायची चाहिए, और गुलाब जल, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। आप देख सकते हैं थिक हो चुका है हमारा बैटर। अब निकाल दीजिए इसे एक बर्तन में और इसे छोड़ दीजिए 1/2 घंटे के लिए। हमें इसे ठंडा नहीं करना है, इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, यानी कि रूम टेम्परेचर, ना ही ठंडा ना ही गर्म। अब कर लीजिए इसे अच्छे से मिक्स, और कर लीजिए इसकी मालिश 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा दर्द दूर हो जाए। हमें ये इसलिए करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स रह गए हैं वो स्मूथ हो जाए। 8 से 10 मिनट इसकी मालिश करने के बाद इसका बन गया है डो। अब हाथों से इसे कर लीजिए थोड़ा बड़ा, और ऊपर से चलाइए रोलिंग पिन, यानी कि बेलन। ये थोड़ा टूटेगा लेकिन हाथों से सेट करते जाइए। साइज कोई भी बनाइए लेकिन इसकी शीट को बराबर लाना है, ना ही कहीं से मोटा ना ही कहीं से पतला, एकदम इक्वल साइज में। अब लगाना है हमको इसके ऊपर वर्क। सब चांदी का लगाते हैं, हम सोने का लगाएंगे, लगना भी तो चाहिए, कुछ हेल्दी खाने वाले और कुछ रिच लोग इसे बना रहे हैं। अब इसे काट लीजिए शेप में, कोई भी शेप काटिए, बन्नी काजू कतली ही है। मैंने ट्राइंगल में काटी है, स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए 1.5 इंच की, और क्रॉस में ट्रायंगल शेप में काट लीजिए।
यहाँ पर भी मैथमेटिक्स लगाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ चीज़ों के रूल्स होते हैं। और रेडी हो चुकी है आपकी दिवाली के लिए स्पेशल होममेड काजू की कतली। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।